साथियों, तो हम शुरू करते हैं हमारा 101 से। हमने पहले 51 से 100 तक के प्रश्न कर लिए थे, आज हम 101 से 150 जो हमारे पार्ट बच रखा है उसको हम करते हैं। हमारा 101 नंबर पे है, रेफरेंस सर्विस की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा। रेफरेंस सर्विस की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हमारे सामने ऑप्शन है मेलविल डेवी, सी ए गटर, एंथनो पैनेजी और डॉक्टर एस आर रंगनाथ। तो हमें पता है कि रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा की आपके सर्वप्रथम जो अवधारणा है, सर्वप्रथम अवधारणा वह स्वेट ग्रीन महोदय ने दी थी, सैमुअल स्वेट ग्रीन ने 1876 में अगर हमारे विकल्प में यह नाम होता सैमुअल स्वेट ग्रीन, तो इसका आंसर हम यह करते कि रेफरेंस सर्विस की सर्वप्रथम अवधारणा सैमुअल स्वीट ग्रीन ने व्यक्तिगत सेवा के रूप में दी थी। व्यक्तिगत सेवा के रूप में अगर हम यहां पे हमारे विकल्प की बात करें तो रेफरेंस सर्विस डॉक्टर रंगनाथन महोदय, ने रेफरेंस सर्विस के पद का प्रयोग किया और उन्होंने कहा दो वस्तुओं के मध्य स्थापित संबंध व्यक्तिगत सेवा ही रेफरेंस सर्विस। अर्थात कि यहां पे इन्होंने दो वस्तुओं से तात्पर्य हमारा पुस्तकालय के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने रेखांकित शब्द में किससे अभिप्राय है। तो पुस्तकालय के संदर्भ में हम बात करें डॉक्टर रंगनाथन महोदय का परिपेक्ष पाठक व पुस्तक से हमें, यानी कि पाठक और पुस्तक के बीच का जो संपर्क है, मध्य संपर्क स्थापित करना, अर्थात उन दोनों के मध्य व्यक्तिगत जो सेवा है, यही रेफरेंस सर्विस है। आगे हम देखें कि हमारा डीडीसी में कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किस संस्करण से किया गया? ऑप्शन है हमारे सामने, विकल्प जो दे रखे हैं, 6th, 4th, 3rd या 2। हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा कि डीडीसी में कॉमन आइसोलेट का प्रयोग किस संस्करण में किया गया? दूसरे में। सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन आपका, सेकंड संस्करण से। अगला है कि प्रोफेसर पृथ्वीनाथ कौला, क्या पूछा गया है? पद्मश्री अवार्ड है प्रोफेसर पीएन कौला, पृथ्वीनाथ कौला को भारत सरकार द्वारा
पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया? विकल्प है हमारे सामने 2001, 2004, 2000 या 2016। हमारा सही आंसर रहेगा 2004 में। अगर हम बात करें कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनको कब दिया गया? और एक बीएस केशवन महोदय को भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, तो इनको कब नवाजा गया? डॉक्टर रंगनाथन महोदय को 1957 में तथा बीएस केशवन महोदय को 1960 में इस भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। आगामी हमारे प्रश्न है 104 कि डीडीसी का नवीनतम एब्रिज्ड संस्करण अर्थात कि संक्षिप्त संस्करण जो छोटे पुस्तकालयों के लिए डीडीसी को संक्षिप्त किया गया था, उनमें पूछा जा रहा है कि डीडीसी का नवीनतम एब्रिज्ड एडिशन कौन सा है। तो हमारे सामने यहाँ पे विकल्प है फर्स्ट 1895, फर्स्ट 1876, 15 2012 और 23। आपका है 2011। हमारे सामने चार विकल्प दिए हैं, तो यहां पे जो ये फर्स्ट संस्करण है यह एब्रिज्ड है, एब्रिज्ड संस्करण, और यह डीडीसी का मूल संस्करण जो फर्स्ट है 1876 में, और यहां पे जो यह 15वां है यह नवीनतम एब्रिज्ड है, एब्रिज्ड संस्करण है आपका यह 15वां जो 2012 में है, और जो आपका यह 23वां संस्करण डीडीसी का मूल का वह 2011 में। तो अर्थात कि यह लेटेस्ट हमारा सही आंसर रहेगा 15, 2012 में नवीनतम संस्करण जो 15वां संस्करण है वह दिया गया। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आरएफआईडी शब्द का पूरा नाम बताओ। पूछा गया है आरएफआईडी से तात्पर्य आरएफआईडी क्या है? तो यह आरएफआईडी एक तकनीक है पुस्तक की चोरी या उसको रोकने के लिए, जिसमें पुस्तक के ऊपर एक टैग के रूप में चिप को लगा दी जाती है। आरएफआईडी और मेन गेट पुस्तकालय के मुख्य द्वार के बीच में, और उस पुस्तक से इंटरकनेक्ट का काम करती है, जिससे कि उस पुस्तक के ऊपर लगी टैग से वह हमें सूचित करती है कि विदाउट एंट्री के या उस चिप को जब तक हम उस पुस्तक से नहीं हटाते तब तक वह उसको बाहर पाठक नहीं ले जा सकता। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा है कि आरएफआईडी आखिर एक है क्या। तो हमारा यहाँ पे दे रखे हैं चार विकल्प, जिसमें से इनकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। तो हमारा विकल्प नंबर ए जो है वह आरएफआईडी शब्द का पूरा नाम है और सही रूप है। आगे हमारा प्रश्न आया कि लाइब्रेरी हेराल्ड एक पत्रिका दी है, लाइब्रेरी हेराल्ड। यहां पे हमसे पूछा गया है कि लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका के संपादक हमारे इस पत्रिका के संपादक पूछा गया। विकल्प में हम देखें तो नील मेघनन, डब्ल्यू ए बोर्डन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन और पी एन कोला। तो हमारा सही आंसर रहेगा पी एन कोला, जिनका हमें अपनी 2004 में इनको किस अवार्ड से, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, पृथ्वीनाथ कोला। अगर हम इनके संपादक की बात करें
तो इनका एक और प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय की ऑटोबायोग्राफी के संपादक भी डॉक्टर रंगनाथन महोदय की जीवन जीवनी डॉक्टर रंगनाथन महोदय की जीवनी के संपादक भी हमारे यह पृथ्वीनाथ औलाई है। आगे हम बात करें कि मार्क फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? हमसे पूछा गया है कि मार्क फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया, तो हमारे सामने विकल्प है 1966, 67, 68, 71। तो हम बात करें कि मार्क की 1966 में, और हम मार्क सेकंड की बात करें तो वह है 1967। अब हम आगे बात देखें कि हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित को सीसी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चार कनेक्टिंग सिंबल दे रखे हैं जिनका हमें देखना है कि यह किस तरह से व्यवस्थित करना है। डेल्टा, कॉलन, सिग्मा और एक, यह हमारे सामने चार विकल्प है। तो हम इनको देखें तो हमारा यह सीसी के पहले संस्करण में, इनका भी हम दूसरे संस्करण में, यह तीसरे दूसरे संस्करण में और इनका चौथे संस्करण में जाकर के नंबर आता है। तो हम विकल्प की तरफ देखें तो हमारा सही आंसर रहेगा 2, 1, 3 और 4। विकल्प नंबर 1 जो है वह हमारा सही रहेगा। आगे हम देखें कि चार विकल्प दे रखे हैं जिनमें एक असंगत है। प्रश्न है कि असंगत को छांटिए, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हमारे सामने विकल्प दे रखे हैं एसीआर फर्स्ट 1967, अगला विकल्प है एसीआर टू 1978, अगला विकल्प दिया है एएलए कोड 1949, और यहाँ पे दिया है सीसीसी 1933। तो हमारे सामने ये चार विकल्प है और इनमें से हमें एक असत्य असंगत जो है वह छांटना है। एसीआर फर्स्ट 1967, एसीआर टू 1978, एएलए कोड है 1949, जबकि यह सीसीसी 1933 में सीसी है और सीसीसी आपका है 1934। आगे हम बढ़ें तो हमारे सामने ऐसा ही प्रश्न आया है कि असत्य कथन कौन सा है। लाइब्रेरी साइंस के चार विद्वान दे रखे हैं, उनका देश से संबंध पूछा गया है। डॉक्टर रंगनाथन महोदय भारत, एस सी ब्रेडवर्ड यूके, पॉल ऑटलेट रूस और मेलविल डेवी यूएसए। तो इनमें से चार विकल्प में से हमारा असत्य कथन कौन सा है, इसे देखें। तो हमारा डॉक्टर रंगनाथन महोदय का भारत से यह सही है। पॉल ऑटलेट जो है इनका संबंध रूस से न होकर के बेल्जियम से है। जिन्होंने 1905 में यूडीसी का निर्माण किया था। आगे हम देखें कि सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करवाना है तो हमारा
वैज्ञानिक यानी कि जनक दे रखे हैं और सामने उनके वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, तो हमें देखना है कि वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कौन है। तो हम विकल्प में देखें तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक एफ डब्ल्यू टेलर और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के जनक यानी कि प्रश्न पूछ या इनका अगर सिंपल वे में भी प्रश्न बन सकता है सिंगल में कि एडमिनिस्ट्रेशन फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और चार विकल्प इन्हीं चारों विकल्प को रख दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पे सुमेलित करवा करके एक साथ में चार जनक दिए हैं। तो प्रशासन के जनक हमें पता है कि हेनरी फियोल है। आगे हम देखें कि मानवीय संबंध विचारधारा का जनक एल्टन मेयो और कॉरपोरेट स्ट्रेटजी का जनक एफ हर्ट्जबर्ग। तो हमारा विकल्प नंबर चार सही रहेगा, 4-1-2-3। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यूनिटर्म इंडेक्सिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनिटर्म इंडेक्सिंग यूनिटर्म इंडेक्सिंग को कब और किसने प्रकाशित किया, कब और किसने विकसित किया। तो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है, जे केसर 1911। तो आपको याद होगा जे केसर महोदय की सिस्टेमेटिक इंडेक्सिंग। सिस्टेमेटिक जे केसर महोदय की जो विकल्प दिया है 1911 जे केसर, यह सिस्टेमेटिक इंडेक्सिंग है तथा यूनिटर्म इंडेक्सिंग आपकी है मार्टी मरट्यूब महोदय की। मार्टी मरट्यूब महोदय 1953 में। हमसे अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि चैन इंडेक्सिंग, चैन इंडेक्सिंग का डॉक्टर रंगनाथन महोदय और यह आपकी आई है 1934 में। और एक पूछा जाता है कीवर्ड इंडेक्सिंग, कीवर्ड इंडेक्सिंग है आपकी एचपी लुहान सर की और 1953। हमारे सामने पहली है पूछा जा सकता है यूनिटम इंडेक्सिंग जो हमारी पूछा गया है मल्टीमर ट्यूब की 1953 में। दूसरा जो हमारा पहला विकल्प था जे केसर, तो 1911 में सिस्टेमेटिक इंडेक्सिंग। एक पूछा जा सकता है श्रृंखला अनुक्रमणिका अर्थात चैन इंडेक्सिंग जो डॉक्टर रंगनाथन महोदय की 1934, और एक है हमारे सामने कीवर्ड इंडेक्सिंग एचपी लुहान महोदय की जो 1953 में। आगे हम बढ़े तो हमसे पूछा गया है कि सीसी के सातवें संस्करण में कुल कितने दशा संबंध है। आप में से कोई बता सकता है कि सीसी में सातवें संस्करण में कितने संस्करण हैं। कई बार पूछा गया है कि सीसी के छठे संस्करण में कितने दशा संबंध है। तो हमारे सामने विकल्प है 5 और 6। हमारा इन दोनों में कंफ्यूज रहता है कि हमने छठे संस्करण तक हमसे पूछा जाए कि छठे संस्करण तक कितने दशा संबंध है, तो हमारा सही आंसर रहेगा 5 और हमारा सातवें संस्करण में सही आंसर रहेगा 6, क्योंकि छठा जो हमारा संस्करण यहाँ पे जो जोड़ा गया दशा संबंध वो है टूल।
आपका टूल जो है वह नया सातवें संस्करण में जोड़ा गया। आगे हम देखें हमारे 114 नंबर प्रश्न कि पुस्तकालय का हृदय किस विभाग को कहा जाता है। सबसे इजी प्रश्न, कई बार पूछा जाता है कि पुस्तकालय का हृदय किस विभाग को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे सामने कि तकनीकी विभाग, परिसंचरण विभाग, पत्रिका विभाग और संदर्भ विभाग। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? पुस्तकालय का हृदय। आप में से वेरी गुड, संदर्भ विभाग। तो पुस्तकालय का हृदय हम किस विभाग को कहेंगे? संदर्भ विभाग को। हमारा नेक्स्ट है 115 प्रश्न, 115 नंबर, कि पीपीबीएस जो यह बजट निर्माण विधि है का विकास किस संस्था द्वारा तथा कब किया गया? पूछा गया कि पीपीबीएस जो बजट प्रणाली है इस विधि का विकास किस संस्था के द्वारा और कब किया गया। तो हमारे सामने विकल्प में इसका सही आंसर रहेगा यूएस डॉट द्वारा 1961 में। दूसरा हमारा विकल्प है ZBB, तो जीरो बेस्ड बजटिंग। यह भी एक बजट निर्माण की विधि है जो यह 1970 में आई। अगला हमारा ऑप्शन दे रखा है यूडीसी जो कि 1905 में है। आगे हमारा आगामी प्रश्न है 116 के, ब्रिटिश पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम के जन्मदाता कहाँ का पूछा है हमसे ब्रिटिश पुस्तकालय। हमसे पूछा गया है ब्रिटिश पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम का मुक्त द्वार प्रणाली। मुक्त द्वार प्रणाली के जन्मदाता, तो हम ऑप्शन देखें कि जॉन कॉटन दाना, सी ए कटर, जेम्स डब ब्राउन या नीना ब्राउन ने। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा कहाँ, ब्रिटिश पुस्तकालय के जन्मदाता जेम्स डफ ब्राउन। और यही पूछा जाए कि भारतीय पुस्तकालय में मुक्त द्वार प्रणाली के जन्मदाता तो हम किन्हें मानेंगे? डॉक्टर रंगनाथन महोदय, क्योंकि इन्होंने फाइव लॉ के तीसरे सूत्र में मुक्त द्वार प्रणाली को वैध माना है और उनके महत्व को प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले उसके लिए इसे स्वीकार किया है ओपन एक्सेस सिस्टम को। आगे हमारा प्रश्न है कि पाठक द्वारा छुपाकर किसी पुस्तक को अन्य रैक में रख दी जाती है तो इन्हें पुनः सही रैक में रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहलाती है। यहाँ प्रश्न का तात्पर्य है कि पुस्तकालय में एक पाठक द्वारा जो आपकी सेल्फ में सही जगह पे पुस्तक थी वहां से हटाकर किसी अन्य रैक में या अन्य विषय के साथ में उसे छिपा कर रख दिया जाता है। आप पुस्तकालय अध्यक्ष होने के नाते उस पुस्तक को ढूंढ करके वापस सही जगह पर, पुस्तक की निश्चित जगह पर वापस रखना, आपका यह विधि कौन सी कहलाएगी? तो हमारे सामने विकल्प है कि सेल्फ रेक्टिफिकेशन, स्टैक वेरिफिकेशन, शिफ्टिंग या सेल्विंग। तो हमें इन विकल्प के आधार पर भी हम देखें तो हमारा ए विकल्प जो सेल्फ रेक्टिफिकेशन है वह सही आंसर रहेगा कि यह प्रक्रिया पुनः सही रैक पर रखने की प्रक्रिया हमारी सेल्फ रेक्टिफिकेशन कहलाएगी। जो स्टैक वेरिफिकेशन है वह हमारे छोटे लाइब्रेरी में साल में एक बार तथा 3 बार या 3 साल में एक बार या बड़ी जो पुस्तकालय हैं वहाँ पे 5 साल में एक बार किया जाता है तो उसे हम कहेंगे स्टैक वेरिफिकेशन। और जो शिफ्टिंग है वह पुस्तकालय एक पुस्तकालय से दूसरी जगह पे पुस्तकालय को शिफ्ट करना,
या उन पहले से नई किताबें जो आई है उनको पुस्तकालय में जगह रखना, उसे हम शिफ्टिंग कहेंगे। और सेल्विंग जो है वह पुस्तक के जो हमारी बाइंडिंग पद्धति है तो उसमें है हमारा सेल्विंग। आगे हम देखें कि प्राइमरी तथा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को किसने विकसित किया। अगर हमारे विकल्प पे हम नजर डालें तो पहला है विकल्प है हमारा हैंसन, दूसरा विकल्प है हमारा ग्रोगन और तीसरा विकल्प है हमारा डॉक्टर रंगनाथन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को किसने विकसित किया, तो हमारा सही आंसर रहेगा हैंसन महोदय ने दो प्रकार दिए हैं, ग्रोगन महोदय ने तीन प्रकार दिए हैं और डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने चार प्रकार दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक। ग्रोगन महोदय ने प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक यह तीन दिए हैं तथा डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने चार दिए हैं, परंपरागत, नव परंपरागत अपरंपरागत और एक निरूपक। यह हमारे डॉक्टर रंगनाथन महोदय के चार स्रोत, हैंसन महोदय के दो और ग्रोगन महोदय के तीन। कई बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो यहाँ से यह प्रश्न भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर रंगनाथन महोदय के द्वारा जो आपका यह डॉक्यूमेंट प्रलेख दिया गया है निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इनमें से यह एक गायब कर किया जा सकता है और इस जगह पे किसी दूसरे को रख दिया जाएगा, या फिर ग्रोगन महोदय के जो पूछे जाएंगे वह इनमें किसी इस एक को शामिल कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इसका स्पेशली आप ध्यान रखें। आगे हम बढ़े, हमारा प्रश्न है इंडियन बुक इन प्रिंट। इंडियन बुक इन प्रिंट हमारा जो प्रश्न है नेक्स्ट 119 नंबर, कि इंडियन बुक इन प्रिंट किस प्रकार के ग्रंथ सूची का उदाहरण है, तो हमारे सामने ऑप्शन है नेशनल बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी या ट्रेड बिब्लियोग्राफी या उपरोक्त सभी, चार विकल्प है। तो हमारा हमें पता है कि इंडियन बुक इन प्रिंट जो ग्रंथ सूची है वह ट्रेड बिब्लियोग्राफी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के वर्तमान प्रकाशक कौन है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के वर्तमान प्रकाशक कौन है, तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा, बोका रॉटन सीआरएस प्रेस, सी विकल्प जो है हमारा वह सही रहेगा। आगे है हमारा 121 नंबर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है यह किस भाषा पर आधारित है। हमसे प्रश्न पूछा गया कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वह किस भाषा पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न बनता है यूनिक्स किसके द्वारा विकसित किया गया और कब किया गया। हम अगर भाषा की तरफ देखें तो हमारे भाषा में दे रखा है सी भाषा, कोबोल भाषा, लोगो भाषा या जावा भाषा, तो हमारा सही आंसर रहेगा ए विकल्प है सी भाषा। अब हम आगे बात करें कि किसके द्वारा विकसित किया गया और कब किया गया। किसके द्वारा विकसित करने में नाम आता है कैन थॉमसन।
नोट डाउन करते रहिएगा। और कब आया? 1969। हमसे पूछी गई है यूनिक्स भाषा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी भाषा है, तो हमारा सही आंसर रहा है सी भाषा। और यूनिक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? विकसित किसके द्वारा विकसित किया गया? केन थॉमसन द्वारा। और कब किया गया? 1969 में। नोट डाउन करते रहें साथ साथ में। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम देखें, हमारा प्रश्न पूछा गया है लिनक्स। अभी हमने बात की थी यूनिक्स की और हम बात करेंगे लिनक्स की। लिनक्स में हमसे पूछा गया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत 1984 में कब की गई? 1984 में। अर्थात हम यह देखें कि यूनिक्स का ही नवीनतम जो स्वरूप है वह लिनक्स है, क्योंकि 1969 में यूनिक्स आता है। यूनिक्स का ही नया स्वरूप या नवीनतम उद्धरण जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स 1984 में आता है। हमसे पूछा गया है इसका किसके द्वारा की गई? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत 1984 में किसके द्वारा की गई? 1984 में हमारा सही विकल्प रहेगा रिचर्ड स्टेलमैन द्वारा। लिनक्स की 1984 में रिचर्ड स्टेलमैन द्वारा इसकी स्थापना की गई। और हमने अभी देखा था यूनिक्स। यूनिक्स में 1969 में केन थॉमसन द्वारा। आगे हम बात करें, हमारा प्रश्न आता है कि डेलनेट की स्थापना किस वर्ष की गई? डेलनेट की स्थापना डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। पूछा जा सकता है कि डेलनेट क्या है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि डेलनेट नेटवर्क है। अब हम बात करें कि डेलनेट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1988, 1998, 1978 या 1968? तो हमारा सही आंसर रहेगा यहाँ पे कि डेलनेट की स्थापना 1988 में की गई। ये विकल्प हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 124 नंबर प्रश्न कि शोधगंगा किस प्रकार की रिपोजिटरी है? तो शोधगंगा जो है वह ई थीसिस रिपोजिटरी है। अब हमारा प्रश्न है कि अपोपा पद्धति, कि अपोपा क्या है? साथियों आपको पता होगा यह अपोपा पद्धति डॉक्टर रंगनाथन महोदय द्वारा पुस्तकों के व्यवस्थापन से संबंधित विधि है। अर्थात कि यह वर्गीकरण से संबंधित है, जो किताबों के सेल्फ अरेंजमेंट से संबंधित विधि है। इनका यह भी पूछा जा सकता है कि ए से क्या तात्पर्य है, पी से क्या तात्पर्य है, यू से क्या तात्पर्य है। हम इस विधि को अगर यहाँ पे देखें तो अलाइन, पेनुम्ब्रल, अम्ब्रल, पेनुम्ब्रल और अलाइन। सबसे कम महत्वपूर्ण, थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उससे कम महत्वपूर्ण और सबसे कम महत्वपूर्ण, इस तरह से इनके व्यवस्थित किया जाता है किताबों को इस विधि के द्वारा। तो हमारा यहाँ पे विकल्प क्या हो गया? वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन से बी ऑप्शन के विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि एंट्रोपी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो हमारा पहला है विकल्प है मार्क जुकरबर्ग से। आप जानते हैं कि फेसबुक के संस्थापक जो है वह आपके जुकरबर्ग हैं। एंट्रोपी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके क्लाउड शैनन महोदय ने किया था, तो हमारा सही आंसर रहेगा क्लाउड शैनन। अगला है हमारा प्रश्न, चार विकल्प दे रखे हैं, उनमें से असत्य कौन सा है?
एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, अभी हाल ही में आयोजित एनवीएस जिसमें दो प्रश्न पूछे गए थे टैक्स से संबंधित। तो हमारा पहला विकल्प है 101 LCCN, दूसरा विकल्प है 020 ISBN, तीसरा विकल्प आपका दे रखा है ऑथर, और अगला प्रश्न आपका है 250 में पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन। ये हमारे सामने चार विकल्प है और पूछा गया है कि असत्य कौन सा है। 010 आपका ISSN है, सही है। 020 ISBN है। 100 आपका ऑथर लेखक का है। तो 150 जो है आपका वह पब्लिकेशन का ना हो करके एडिटर का है, और पब्लिकेशन का 260, पब्लिकेशन आपका रहेगा 260, और आपका यह 250 है जो एडिटर से संबंधित है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आगे हमारा 128 नंबर प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। चार विकल्प दे रखे हैं जिनको उत्पत्ति के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। तो हम देखें कि पहला विकल्प जो है हमारा वेब 2.0, जो हमारा कब आया 2004 में। दूसरा विकल्प हमारे सामने दे रखा है लाइब्रेरी 2.0, जो यह आया हमारा 2006 में। और तीसरा विकल्प हमारे सामने दे रखा है व्हाट्सएप, तो यह आया हमारा 2009 में। और चौथा विकल्प जो हमारा दे रखा है विकिपीडिया, विकिपीडिया जो विकिपीडिया है वह हमारा आया 2001 में। तो हम यहां पे नजर दें कि विकिपीडिया जो है वह 2001 में, तो हमारा विकल्प चार नंबर यहाँ पे किस तरह से पूछा, उत्पत्ति के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो 4, 1, 2 और 3, यह आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, कभी कभी इनके उत्पत्ति विकसित इनको किसने किया या इनके संस्थापक कौन है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा कि इनको विकसित करता कौन है। इन चारों के प्रश्न बन सकता है इन पर भी। अगला प्रश्न आया हमारा कि ISBD-G जनरल में प्रलेखों के डेटा को मुख्य संलेख के कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो आप ISBD-G का, M का, मोनोग्राफ, इन सभी के आपको डेटा के संलेख का क्षेत्र हमें विभक्त कितने भागों में किया गया, कितने क्षेत्रों में किया गया, यह हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम हमसे पूछा गया है कि ISBD-G का कितने प्रलेख कितने क्षेत्रों में किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा, 1। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय कार्यों में वेब 2.0 का अनुप्रयोग कहलाता है। पुस्तकालय कार्यों में वेब 2.0 का अनुप्रयोग कहलाता है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा है वह अभी हमने देखा था लाइब्रेरी 2.0। हमने क्योंकि विकल्प दे रखा है हमारे किस तरह से दे रखे हैं कि लाइब्रेरी 2.0, ग्रंथालय 2.0,
या लाइब्रेरी ऑटोमेशन या पुस्तकालय 2.0, अर्थात कि सभी एक जैसे ही वर्ड है, लेकिन आपको जो पर्टिकुलर उसका नाम है वह हमें ध्यान देना है कि यह क्या है। तो हमारा सही आंसर रहेगा लाइब्रेरी 2.0। आगे हम देखें कि पेरी कमेटी किससे संबंधित है। एक प्रश्न आपका कमेटियों से पूछा जाता है, एक प्रश्न पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है। तो हमारा पूछा गया है कि पेरी कमेटी किससे संबंधित है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय या शैक्षणिक पुस्तकालय। ये सभी पुस्तकालय आपके सिलेबस में भी है, तो इन्हें आप ध्यान से देखें। हमारा पेरी कमेटी से तात्पर्य संबंध किससे है, शैक्षणिक पुस्तकालय से। विकल्प नंबर डी आपका सही रहेगा। हमसे आगे पूछा गया है NPASF अर्थात नेशनल पेरियर आर्ट सर्च सर्विस फैसिलिटी किसके द्वारा स्थापित की गई। तो हमारा सही आंसर है निस्केयर। अगर हम आपसे निस्केयर शब्द आते ही आपको क्या याद आता है, सीरियल नंबर ISSN जो आपका है वह किसके द्वारा जारी होता है, निस्केयर के द्वारा। और अगर हम ISBN की बात करें तो वह आपको जारी करता है RRLF बुक नंबर। आगे हम देखें हमारा 133 नंबर प्रश्न कि OCLC का नाम बदलकर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया, यह किसके द्वारा किया गया, कब किया गया। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कब कर दिया गया। तो हमारे सामने विकल्प दे रखे हैं 1972, 1998, 1981 या 2002। तो हमारा क्या रहेगा सही आंसर, 1981। वेरी गुड। आगे हम देखें कि हमारा प्रश्न है 134 कि एक्सेशन रजिस्टर में पुस्तकों के प्रवेश किस अनुसार किया जाता है। हमसे यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय में पुस्तकों का प्रवेश किस प्रकार किया जाता है। तो हम कहते हैं कि बिल से एंट्री होने के बाद में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेशन रजिस्टर में पुस्तकों के प्रवेश किस अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प देखें कि बिल नंबर, पब्लिशर के नाम से या क्लास नंबर से या पुस्तकालय में आने वाली रसीद की दिनांक। तो हमारा सही आंसर रहेगा पुस्तकालय में आने वाली बिल के ऊपर रसीद जो जिस दिनांक को आई है तो उसके आधार पर एक्सेशन ने रजिस्टर में एंट्री करेंगे हम। आगे है हमारा प्रश्न कि NIC व इन्फ्लिमनेट जो नेटवर्क है यह किस श्रेणी के नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है या वाइल्ड एरिया नेटवर्क है, तो यह किस प्रकार की नेटवर्क है। तो हमारे NIC और इन्फ्लिमनेट यह वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क है। किस प्रकार के है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। हमसे पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न, DDC का जो नवीनतम संस्करण है 2300, उसका रंग कैसा है। अगर हम विकल्प पे बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन है रेड कलर, ऑटोमैन कलर, स्प्रिंग कलर या ब्लू कलर। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑटोमैन कलर। अगर हम आगे बात करें, हमारा प्रश्न आता है कि RRLF द्वारा अनुदान जो दिया जाता है सभी लाइब्रेरीज को, सार्वजनिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज को, तो वह किस तरह से दिया जाता है। कि RRLF द्वारा अपने मैचिंग अनुदान के तहत नॉर्थ ईस्ट राज्यों को किस अनुपात में प्रदान करती है। तो हमारे सामने विकल्प है 50-50, अगला विकल्प है हमारा 60-40 और अगला विकल्प है हमारा 90-10।
तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्ट राज्य में, तो हम 90, तो RRLF के द्वारा नॉर्थ ईस्ट राज्य में 90% आपका RRLF द्वारा और 10% वहां के स्टेट के द्वारा। अगर हम बात करें कि 60-40, तो विकासशील राज्यों के लिए और 50% RRLF और 50% वह राज्य स्वयं वहन करता है, वह है विकसित राज्य। पूछा जाता है, यह भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे, उनमें 90-10 का रेशियो रहता है, विकासशील जो डेवलप होने वाले हैं या जो विकासशील है उनको 60-40 का, और जो डेवलप्ड है ऑलरेडी विकसित राज्य है उनको 50-50 का। आगे हमारा प्रश्न है कि सैंडोक की स्थापना कब और किस क्षेत्र से संबंधित सूचना प्रणाली है। तो हमें पता है कि सैंडो 1971 में आया, तो हमारा 1971 से एक ही विकल्प है, तो उसे हम सही आंसर करेंगे, और उनका जो क्षेत्र है वह लघु उद्योग से संबंधित है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सारकरण सेवा नहीं है। तो इसका आपका सही विकल्प रहेगा कि सारकरण सेवा में ERIC, LIS एलिसा और मेडलाइन, ये तो आपकी सारकरण सेवाएं हैं, जबकि एक्सक्रीटा मेडिका आपकी कोई सारकरण सेवा नहीं है। 140 प्रश्न हम देखें नंबर पे। एक विद्यालय पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिलने की आप आशा नहीं है आपको। तो हमारा विकल्प देखें कि मानचित्र, पत्रिकाएं, दृश्य श्रव्य सामग्री या शोध प्रतिवेदन। तो हमें यहाँ पे विकल्प देखते ही पता चलता है कि जो शोध प्रतिवेदन है वह हमें यूनिवर्सिटीज में देखने, विश्वविद्यालय में जरूर देखने को मिल सकते हैं, किंतु विद्यालय में कोई आपको ये नहीं मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पे सही प्रश्न क्या रहे, इसका सही आंसर रहेगा शोध प्रतिवेदन। अगला जो प्रश्न है हमारा, परिकल्पना से क्या तात्पर्य है। सिंपल से प्रश्न है, परिकल्पना परीक्षा आधारित सिद्धांत, विधि या सिद्धांत या साधारीकरण। तो हमारा इससे सही आंसर रहेगा विकल्प एक, परीक्षा आधारित सिद्धांत। अगला हमसे पूछा है BSO, हमसे पूछा गया है BSO से क्या तात्पर्य है, और MBO पूछा जा सकता है। जिस तरह से यह BSO पूछा गया है कि BSO क्या है, तो इनकी फुल फॉर्म में देखें तो फुल फॉर्म रहेगी आपकी, क्या रहेगी फुल फॉर्म, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, और इनकी आपकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, MBO, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्ट। तो इनका यहाँ पूछा गया है कि BSO से क्या तात्पर्य है, तो यह आपकी वर्गीकरण से संबंधित है, और MBO आपकी सूचीकरण से संबंधित है, यह कैटलॉगिंग में और यह वर्गीकरण पद्धति। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूचना का द्वितीयक स्रोत कौन सा नहीं है। विकल्प दे रखे हैं सारांश पत्रिका, हैंडबुक, स्टेटिकल डाइजेस्ट और पैटर्न। हमें मान लो कि यह प्रश्न हमें नहीं आता, सभी का हमें नहीं पता, लेकिन हमारा डी विकल्प पे जाते ही हम देखें तो पैटर्न जो है वह प्राथमिक स्रोत है, यह हमें लगभग सभी को पता है। पैटर्न का दूसरा नाम अगर आए एकस्व आ सकता है, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि पेटेंट प्राथमिक स्रोत है, तो ऑलरेडी जो तीनों विकल्प दिए हैं वह द्वितीयक स्रोत है।
आगे हम देखें कि INB क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है, तो यह आपका द्वितीयक स्रोत है प्रलेख में, आपका यह द्वितीयक स्रोत है कि पूछा भी यही गया है, प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है या तृतीयक स्रोत है, तो सही आंसर रहेगा हमारा द्वितीयक स्रोत। नेक्स्ट है हमारा 145 कि पुस्तकों को स्टैक पर रखते समय किस स्थान को हम खाली रखा जाता है, तो हमें जो पुस्तकों का को स्टैक पर हम रखते समय हमेशा दाईं ओर से खाली स्थान को छोड़ा जाए, जिससे भी कोई भी नई पुस्तक है तो वह उस जगह पर रखी जा सकती है। आगे हम देखें 146 जो नंबर प्रश्न है हमारा कि पुस्तक कॉर्नर में निम्नलिखित में से कहाँ चिपकाए जाते हैं, जो पुस्तक कॉर्नर है वह कहाँ चिपकाए जाते हैं, और विकल्प देखिएगा पीछे की ओर मुख पृष्ठ के शीर्ष पर, अग्रिम कार्ड के बोर्ड के आंतरिक भाग पर, या पीछे के कार्ड के बोर्ड के आंतरिक भाग पर, तो हमारा सही विकल्प रहेगा सी, अग्रिम कार्ड बोर्ड के आंतरिक भाग पर। हमारा अगला प्रश्न आता है संसाधन सहभागिता, हमसे प्रश्न पूछा गया है कि संसाधन सहभागिता की धारणा का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। अगर देश की बात आ रही है हमारे सामने तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही विकल्प रहेगा अमेरिका। अगर वैसे ही अगर हमारे सामने यह भी विकल्प रह सकता है देश का ना पूछ करके, तो यहाँ पे संसाधन सहभागिता का 200 ईसा पूर्व आपकी दो लाइब्रेरीज अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी व पर्गमन, दो लाइब्रेरी अलेक्जेंड्रिया और पर्गमन लाइब्रेरी के मध्य आपसी समझौता यानी सहायता के लिए, बीच में सहयोग के लिए संसाधन सहभागिता का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें 148 की हमारी, तो हमारा प्रश्न है कि विस्तार सेवा किस सूत्र की संतुष्टि को प्रदान करता है, यह 5 लॉ से संबंधित है हमारा, कि हर एग्जाम में 5 लॉ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, दो प्रश्न कम से कम, तो हमारा विस्तार सेवा से तात्पर्य कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, तो हमें यहाँ पे हमारा तीसरा सूत्र इसका सही आंसर रहेगा, विस्तार सेवा से तात्पर्य कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। आगे हम देखें तो हमारा एशियन रिकॉर्डर कहाँ से प्रकाशित होता है, तो हमें इसका ऑप्शन देखें तो लंदन, दिल्ली, कलकत्ता या भूटान, तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा, पहले भी हम बता चुके इसकी समीक्षा कर चुके हैं, दिल्ली, इसका सही आंसर रहेगा हमारा दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंतिम इस प्रश्न का कि इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कहाँ से प्रकाशित होता है, अगर हम विकल्प देखें कि जापान, रूस, न्यूयॉर्क या हेग में, तो हमारा सही आंसर रहेगा न्यूयॉर्क में। तो हमारा